अच्छा, यहाँ पे पबजी ने ना हर किसी के नाक में दम किया हुआ है, चाहे वो पबजी खेलता हो या ना खेलता हो। जो पबजी खेलते हैं वो सोचते हैं कि ये बंद ना हो जाए, जो नहीं खेलते हैं वो सोचते हैं कि कितनी जल्दी ये बंद हो जाए। मतलब जो खेलता है वो भी परेशान है, जो नहीं खेलता है वो भी परेशान है। या फिर मतलब पबजी ने ना बिल्कुल तबाही मचा रखी है। और आज के टाइम में अगर आप पबजी के बारे में नहीं जानते हो इसका मतलब, तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि पबजी ने क्या क्या तबाही मचा रखी है मतलब पिछले कुछ टाइम में इंडिया के अंदर। तो देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो के अंदर। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। अब देखिए, पबजी लोग घर में खेलते हैं, ऑफिस में खेलते हैं, जब बोर होते हैं तब खेलते हैं, जब कुछ काम नहीं होता तब खेलते हैं। लेकिन गोवा में, वहां भी पबजी बात जची नहीं कोई। गोवा का जो मिनिस्टर है उनका कहना है कि पबजी ने मतलब मार्केट में इतना बवाल मचा रखा है कि जल्दी से जल्दी कोई कानून लाया जाए कि पबजी को जल्दी बैन किया जाए। अब हुआ क्या, गोवा में बेसिकली एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ दिया। क्यों? पबजी खेलने के चक्कर में। मतलब उसे पबजी से इतनी ज़्यादा एडिक्शन थी, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी घर में, लेकिन तब भी वो पबजी में इतना इन्वॉल्व रहा। और जब घर वालों ने बोला उसको, तो फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर चला गया पबजी खेलने के लिए। इससे पहले दिल्ली का एक केस आया था, उसके अंदर तो और हाइट हो गया था। मतलब एक 19 साल के बच्चे ने अपने मॉम, डैड और अपनी सिस्टर का खून कर दिया था। अभी चीज़ बहुत शॉकिंग है, क्योंकि मतलब एक गेम के लिए कोई किसी का खून कर सकता है। हाँ, मतलब गेम के अंदर ऐसा ही होता है, गेम के अंदर आपको मार पीट मचानी होती है, बिल्कुल वायलेंस वाला गेम है। लेकिन ये वायलेंस गेम से निकल के रियल लाइफ में आ गया, ये शॉकिंग चीज है। तो न्यूज़ कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे भैया एक बच्चा था जो 12th की प्रिपरेशन कर रहा था बोर्ड के एग्जाम्स की, बोर्ड में वो फेल हो गया। उसके बाद उसके फैमिली ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि भाई ठीक से पढ़ाई करो, और उसको गेम वेम खेलने से भी मना किया। और यहाँ पे इन सबसे परेशान होकर रात को जब उसकी फैमिली सो रही थी, उसने घर में पबजी खेल लिया। और यहाँ पे उसने मॉम, डैड और अपनी सिस्टर तीनों का एक साथ काम तमाम कर लिया। अब यहाँ पे देखा जाए इस चीज को, तो डेफिनेटली एक मेंटल इलनेस है, एक दिमागी बीमारी हो चुकी है। यही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे केसेस सामने आए। इनफैक्ट J&K में सबसे ज्यादा केसेस आए पबजी एडिक्शन के, और वहां पे बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो गए, मतलब दिमागी बीमारी हो गई उन लोगों को पबजी खेलते खेलते। अब यहाँ पे छोटा मोटा कमजोर आदमी हो तो बोलेंगे कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जिम ट्रेनर था जम्मू कश्मीर में। अब जिम ट्रेनर मतलब आप सोच सकते हो कि साइकोलॉजिकली हेल्थ वाइज वो फिट होगा, कितना फिट होगा, लेकिन यहाँ पे वो बंदा भी नहीं बचा इससे। उस बंदे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां पे उसको रखा गया ऑब्जर्वेशन में। उसके हाथ से मोबाइल छीन के उसको हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया, और वहां पे जब उसको पबजी खेलने को नहीं मिला, तो भैया यहाँ पे उसने कमाल मचा दिया और खुद को इतना मारा पीटा कि यहाँ पे उसकी जान चली गई। अब यहाँ पे एक जिम वाले बंदे ने खुद को मार लिया सिर्फ पबजी की वजह से, शॉकिंग। इसके बाद आपने एक और न्यूज सुनी होगी कुछ दिन पहले, वो हुआ था VIT विल्लोर कॉलेज, जो तमिलनाडु में है। बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज है और काफी अच्छा कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे केस सामने आया था। यहाँ पे कॉलेज ने अपने कैंपस के अंदर पबजी खेलना बैन कर दिया था। हुआ क्या था बेसिकली वहाँ पे, कि हॉस्टल में जो बॉयज का हॉस्टल था वहाँ पे बच्चे रात को पबजी खेलते थे और वहाँ पे शोर और मचाते थे, जिसकी वजह से जो पबजी नहीं खेलते थे वो डिस्टर्ब होने लगे। फिर उन्होंने कंप्लेन मार दिया, और जब ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई तो फिर यहाँ पे पबजी पे बैन लग गया विल्लोर कॉलेज में, VIT विल्लोर कॉलेज के अंदर। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का एक शो आया था परीक्षा पे चर्चा, उसके अंदर भी ये बात उठाई गई। वहाँ पे एक मॉम ने मोदी जी से बोला कि यहाँ पे उसका जो बेटा है, पहले वो अच्छा था पढ़ने में, लेकिन अभी वो ऑनलाइन गेम खेलते खेलते इतना इफेक्टिव हो गया है कि अब उसके जो एग्जाम्स है वो खराब होने लगे हैं, नंबर्स खराब होने लगे हैं। और यहाँ पे ये बात मोदी जी तक भी पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, मतलब पबजी का एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया, और सर्वे में उसने बताया कि एक्चुअल में ये गेम इतना एडिक्टिव है कि इसको खेलते खेलते मे बी साइकोलॉजिकली आप इफेक्ट हो सकते हो। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कोर्ट में ये अपील किया कि जल्दी से जल्दी इस पबजी गेम को बैन किया जाए, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो वायलेंस वाली एक्टिविटीज, और उसकी वजह से जो रियल लाइफ है वहां पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब देखो, दिक्कत यहाँ गेम के अंदर नहीं है, दिक्कत है एडिक्शन के अंदर। मतलब आप गेम खेलो, अच्छी बात है, बिकॉज मैं खुद प्रेफर करता हूँ, मुझे लगता है कि एक बंदे को गेम खेलना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है, सोचने की कैपेबिलिटी देता है, आपको समझ में आता है कि सिचुएशन में, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। और मे भी कभी रियल लाइफ में आप आते हो तो आपकी एनालिटिकल स्किल, आपकी जो थिंकिंग स्किल्स होती है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका साइड इफेक्ट ये है जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब इतने बवाल मच जाते हैं। अब हम बोलेंगे कि इंडिया के लोग ना समझ है, क्योंकि इंडिया में बहुत चीज़ जल्दी अडेप्ट कर ली जाती है और जल्दी बीमारियां फैल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना में एक बंदे को इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया पबजी का कि भैया वो पबजी खेलते खेलते छत से कूद गया। अभी आपने पबजी गेम देखा होगा, तो उसके अंदर क्या है, लोग
कहीं से भी कूद जाते हैं, मतलब सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से आप कूद जाते हो। तो उस बंदे ने यहाँ पे इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, खेलते खेलते वो छत से कूद गया नीचे सेकंड फ्लोर से और यहाँ पे उसकी हो गई डेथ। तो यार ये सारी चीज़ें थी जो दुनिया में हो रही हैं पबजी को लेके, मतलब कतई बवाल मचा हुआ है, पबजी ने जहर मचा रखा है हर जगह। लेकिन आप खेलते हो खेलो, लेकिन मेक श्योर कि एडिक्शन ना हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, ये थी सारी चीज़ें पबजी के बारे में। आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।